कृष्णा हार्डवेयर भवानगर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध है। शालीमार पेंट, एशियन पेंट, सैनिटरी पाइप फिटिंग, सरिया, सीमेंट, अल्ट्राटेक, पानी की टंकियां तथा अन्य टूल्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर मकान, दुकान आदि के लिए पेंटर भी उपलब्ध है। संपर्क करें 9817409125, 9817409125। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। आज मातृ दिवस है, माँ दिवस है, और वो माँ जिन्होंने हमें इस धरती पर जो है इस धरती को दिखाया और इतना सुंदर धरती से परिचय करवाया, उस माँ को शत शत नमन। सभी माताओं को किन्नौर पेज के द्वारा आप सबको नमन, कोटि कोटि नमन। जिस प्रकार से पूरा संसार जो है, पूरा जो मातृत्व है और पूरा संसार मातृ बिना माँ के बिना अधूरा है, तो वैसे ही हमारा जीवन भी माँ के बिना अधूरा है। तो हम एक ही दिन जो भी तीज त्योहार होते हैं या फिर जो भी दिवस है, एक दिन को ही हम याद करते हैं, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो या फिर महिला दिवस हो या फिर बेटी दिवस हो, कोई भी दिवस हो, हम वहीं तक ही सीमित रहते हैं। और मातृ दिवस पर आज का हमारा जो स्पेशल एपिसोड है, इसमें हम एक चर्चा है, हमारी अपनी जो है बचपन की यादों को हम ताजा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हमारे आज के अतिथि किशोर माजू जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत रुझान रखते हैं सामाजिक चीजों को समझने के लिए, सामाजिक परिस्थितियों से निपटने के लिए, और BDC सदस्य है किन्नौर के पांगी गाँव से। और उनके साथ हम चर्चा करेंगे, आपको कविताएं सुनाएंगे माँ पर, जो है माँ की व्यथा है, माँ कितनी बड़ी है, माँ आपको पता है दुर्गा है, काली है, है ना, लक्ष्मी है, सभी रूपों में माँ है। आपके घर में माँ है, हमारे घर में माँ है, और कई जगह जो बचपन से अनाथ होते हैं उन पर माँ का साया नहीं रहता है। ऐसे कई परिस्थितियां हैं जो जीवन में हमको आना है, और इस जीवन में जो हमें दिखा रहे हैं उस माँ के द्वारा, हम 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं, वो फिर उसके बाद माँ जो 18-19 साल हमें पालती है, आजीवन माँ हमें पालती रहती है और अंतिम सांसों तक हमें पालती रहती है। कितने ही कष्ट उसके जीवन में आएंगे, कितने ही दुख दर्द उसके जीवन में आए होंगे, हम भूल जाते हैं, लेकिन दो पक्ष है इस चीज को समझना है। माँ मेरे लिए माँ है, फिर हमारे लिए जो है जिसकी बेटी लाएंगे फिर वो सास है, वो भी माँ है, और इधर हमको समझना है माँ जब सास बनती है और सास कभी बहू थी, ऐसे चीजों में परिवेश में माँ का कर्तव्य क्या, कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं माँ का कर्तव्य विघटन हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि माँ कर्तव्य से दूर हो जाते हैं, लेकिन तकरार जो है सदियों से हम सुनते आते हैं, सास बहू, ऐसे कई चीजों पर हम इस पर चर्चा करेंगे और बीच बीच में हम कविता में सुनाएंगे। आज भी सदियों से आज भी क्यों जो है सास का और बहू का जो है खटा मीठा जो चलता रहता है, कारण क्या है? वो सास जो कभी माँ थी अब सास बनती है, सास जो कभी बहू थी, बहू कहने वाला बहू, उसने कितनी यातनाएं झेली होगी, कितनी कठिनाई झेली होगी, उसके बाद वो
सास बन जाती है, लेकिन सास बनने के बाद वर्तमान परिस्थितियों में जो समय के अनुसार ढलते क्यों नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य इस एपिसोड के द्वारा किसी भी माताओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। माता हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन माता बेटी की तरफ तो बहुत बेहतर जो है मातृत्व निभाती है, वही माता हम जो बहू की तरफ क्यों जो है कठोर रहती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं हमारे साथ आज के अतिथि किशोर माजू के साथ और बेहतरीन कविताओं के साथ आपके साथ हम साझा करेंगे। और खट्टी मीठी यादें जो बचपन में हमारी माताएं जो है हमको डांटती थी और उस डांट के फटकार से हम अपने जो है एक बेहतर बुलंदी तक पहुंचे। अगर माँ ने फटकार नहीं दिया होता, माँ ने डांट नहीं दिया होता, तो शायद आपके साथ यहाँ बैठे नहीं होते, आपके साथ विचार साझा नहीं कर रहे होते। मैं अपनी माँ को कोटि कोटि नमन करता हूँ, नमन। तो चलिए मिलते हैं। किशोर सर, आपका स्वागत है आज मातृ दिवस पर आप हमारे इस किन्नौर पेज में। नमस्कार जी। हमें उन माताओं को आज यहाँ पर नमन करते, देखिए किशोर जी आप देखते होंगे, आपको अपनी माँ ने जन्म दिया है, आप अब सामाजिक करते हो कोई और जा रहे हैं, तो माँ को कोटि कोटि नमन। सबसे पहले जी, पूरे भारतवर्ष में एक जो महान पर्व के रूप में आज मातृ दिवस के उपलक्ष में आपने मुझे एक अतिथि के रूप में किन्नौर अब तक के जो पेज में बुलाया है, उसके लिए बड़े भाई को भी नमन करता हूँ और पूरे भारत ही नहीं विश्व की सभी मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ आज के इस उपलक्ष्य पर। जी वस्तुतः आप सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं कि 9 महीना जो है माँ गर्भ में जो है हमें रखती है और 9 महीना का एक पीरियड रहता है, उसमें कितनी कठिनाई, कितनी परेशानी, कितनी भूखे प्यासे। आपको तो पता है कि जब माँ का जो है गर्भ धारण होता है तो कई माँ को तो खाना पचता नहीं है, है ना, भूखे रहना पड़ता है। ऐसे संघर्ष झेल झेल के जो है हमें जो है पैदा करती है, फिर 18-19 साल हम जो है क्या बोलते हैं हमें केयर करती है। ऐसे में कई बार जो है हम भी अपने जो है कर्तव्य से दूर हो जाते हैं, हम भी अपने जो है माँ बाप को केयर करने से दूर हो जाते हैं, तो कई परिस्थितियां आती है, कई जॉब के वजह से भी परेशानियां हो सकती है या बिजनेस के वजह से भी परेशानियां हो सकती है। ऐसे माहौल में बहुत कम जो है मौके जो है माँ का जो है साथ रहने का मौका मिलता है, क्योंकि एक चीज मैंने अनुभव किया है किशोर सर जी, मैं भावानगर में रहता हूँ और मेरे मदर फादर टापरी में रहते हैं, तो मैंने अनुभव किया है जहाँ भी जो है पूर्वज जहाँ रहे होते हैं वहां पर ही उनका एक ठिकाना और वही आदत रहती है, चाहे वो दुख तकलीफ क्यों ना हो। ऐसा तकरीबन आप कुछ अनुभव बताएंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे बुजुर्ग है, अगर घर में 6 परिवार है तो वो वहीं रहेंगे जहां पर जो है पुराना होगा, और वहां पर तकरीबन क्या होता है कुदरती कहीं छोटा भाई होता है, है ना, तो हम लोग बोलते कि नहीं देखिए छोटा भाई के साथ रह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है, उन्होंने उसी माटी की सुगंध में जो अपना जीवन व्यतीत किया होता है और उसी माटी के जो है आसपास ढले होते हैं और उसी पर्यावरण में ढले होते हैं, नए जगह ढलने में जो बड़ी दिक्कत आती है। आप अपना कुछ शेयर कीजिए सर, मातृत्व आपने आपने अपनी जीवनी जो है माँ के साथ जो है किस प्रकार से बिताया है, क्या परिस्थितियां रही है, वर्तमान में जो है आपके करीब है या फिर आपके जो है दूर रहते हैं, क्या क्या परिस्थितियां, क्योंकि आपको तो पता है मैंने किन्नौर में तकरीबन देखा है बहुत कम जो है माताएं बच्चों के पास रहती है, अगर रहती है तो कई जगह छोटे बच्चों के पास रहती है, कारण यही रहता है कि जो परिवेश के अनुसार जो है ढल नहीं जाते, ये मुख्यतः कारण रहती है। और दूसरा बाकी हम बातचीत करते रहेंगे, कई जगह सास की भी बहुओं की भी दिक्कत आ रही है। स्वागत महोदय। वैसे तो सारे विषय आपने एक ही भाषा में मेरे समक्ष रख दिया है, फिर भी चलो मैं थोड़ा सा अपने बारे में, जब आपने थोड़ा सा पूछा कि ये साथ रहते हैं ही नहीं रहते, मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगा, क्योंकि
मेरे जो जो मुझे सौभाग्य मिला है, मेरे पास दो माँ हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक दोनों ही बहन हैं। बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बहुत पीछे अच्छा। का जो परिप्रेक्ष्य आप देखते हो, नहीं, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है किसी घरों में, टूट फूट। और मुझे सौभाग्य से जो है 17 से 18 परिवार के बीच में ज्वाइंट हमारा जो उन्होंने अरे नींव बहुत रखा है, आज बहुत अच्छा, ये एक एक तरीके से पांगी गांव में, मैं अपने गांव की बात करूंगा, मेरे ही गांव में स्वर्गीय लेट गुरदीप जी है, उनका सबसे बड़ा फैमिली है। तो सौभाग्यशाली मैं भी अपने आप को मान रहा हूँ, क्योंकि दो माताओं के जो उन्होंने नींव रखा था उसको संजो के आज हम 18 परिवार के बीच में सारे ज्वाइंट रहते हैं, ना किसी बहुत पर का कोई अच्छा, क्लेश। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आपने जैसे कृष्ण कन्हैया का नहीं होता है, यशोदा मैया और जो है मतलब दूसरी माता का नाम भूल गया, तो दोनों के सानिध्य में आप बड़े बले बड़े हुए। अच्छा एक चीज हमें जानना, मैं वर्तमान परिस्थितियों को बताता हूँ। जो हमारी एक एज थी, हम बचपन में माता पिता से बहुत डरते थे। मतलब मैं आपको अनुभव बताता हूँ, मेरे मदर फादर जॉब करते थे बाहर, तो शनिवार और संडे को आते थे घर में। तो हमारा क्या होता था कि घर के पूरे परिवेश में जो है साफ सफाई ये वो तकरीबन सब चीजों का ध्यान देना। तो क्या और आज अभी भी वो डर रहता है हमारे को, जब भी आते हैं तो यार कहाँ कहाँ गलती जो है पड़ेगी, कहाँ डांट पड़ेगी, कहाँ क्या होगा, तो बड़े सतर्क रहना पड़ता है। क्या आज के परिवेश में ऐसा कहीं देखने को मिलता है वो डर? बिल्कुल, आपने, जहाँ तक मैं अपने ही विषय में बात करूँगा, मेरे पिताजी जो है पुलिस विभाग से अब रिटायर्ड है, मेरे ही घर में दो माताएं, ये मान के चलो कि यशोदा और देवकी जो भी मेरे देखिए माँ हैं, हमारे देखिए, को मौका मिला कि उनके सानिध्य में आगे बढ़े। इन्होंने एक रोल मॉडल तय कर दिया था। पर मैं बताऊं, जो हमारी जननी है, जो हमारी बड़ी माताजी है, उनसे भी ज्यादा जो स्ट्रिक्ट है छोटी वाली, हम पूरे फैमिली में 16-17 लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो कल्चर था हमारा, थोड़ी सी बात करूंगा, और यहाँ पे जैसे किसी घरों में अगर दो रहते हैं, दो लेडी है, तो डिवाइड एक होता है, मतलब बंटवारे की स्थिति होती है। तो मेरे घर में ऐसा ना रहा, उन्होंने उदाहरण पेश किया, हम भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्वाइंट फैमिली ही बहुत बेहतरीन रहता है, उसमें बड़े छोटों का जब तक हम आदर करेंगे, बड़े ऊपर वाले स्टेज से हम नीचे हर एक बच्चे तक सीखेंगे, तो वो डेफिनेटली वो घर आगे ही बढ़ा है। जी मैं बताना चाहता हूँ, सौभाग्य से मैं हमारे घर में भी इस प्रकार का माहौल है। हम भी अभी अलग नहीं है प्रॉपरली, कहने का मतलब कारण ये कि थोड़े हम मैं रहता हूँ भावानगर में और मेरे छोटे वाले ब्रदर रहते हैं टापरी में। जब भी हम ज्वाइंट रहते तो हमारा खाना पीना सारा एक जगह ही बनता है। अभी तक हमारे घर में मेरी 50 साल की एज हो गई है, चाहे भावानगर जाएंगे चाहे टापरी जाएंगे, हमारा जो खान पान बैठना और हमारी आपस की जो प्लानिंग होती है या डिस्कसिंग होती है सारा एक ही जगह होता है। ये अलग बात है कि हम मैं भावनगर रहता हूँ वो अलग रहते हैं, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम अलग हैं। तो बहुत कम चीजों को देखने को मिलता है इस प्रकार का परिवेश में, और लोग कहते हैं कि ये अलग है। तो कई बार ऐसे आपको बताना चाहता हूँ कि ये परिस्थितियां देखकर, जैसे हम मैं भावनगर रहता हूँ और ब्रदर टापरी रहते, लोग बोलते हैं कि यार नहीं, अब तो इनको देवते के पास भी जो है निकालना पड़ेगा। ऐसे कई परिस्थितियां हैं, लेकिन हमारा अभी तक का जो भी परिवेश है 50 साल की मेरी एज में, हमारा कभी कोई खाना जो है ऐसे या खाना पीना भोजन पानी कभी अलग ही नहीं हुआ, लेकिन हम दूर रहते हैं थोड़ा, इस वजह से हम कह सकते हैं कि अब बाहर है। तो चलिए बहुत बेहतरीन। और सबसे तो मैं आपके दोनों माताओं को, यशोदा माता और देवकी माता को नमन करता हूँ कि एक परिवार को संजोने में जो है महिला का जितना बड़ा हाथ होता है, वहां पर दो नारियां होकर भी घर को संजोना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बड़ी बात है, दोनों को नमन, कोटि कोटि नमन। बहुत मुश्किल होता है सर ये चीजें, है ना, मतलब बहुत वो चीजें आती है घर में ना। तो चलिए एक एक आपको रचना सुनाते हैं, फिर हम उसको बारी बारी से आते हैं। एक परिस्थितियां जो प्रेम, जो प्रेम प्यार जो मोहब्बत है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है आधुनिक चीजों से, डिजिटल चीजों से, फोन से, टीवी से। अब देखिए हम लोग जो आज हम दोनों बैठे हैं तो एक हिसाब से एक कथा सुना रहे,
वो कथा का जमाना भी चलेगा। आप देखेंगे कथा कहाँ आप आजकल है, जब हमारे पूर्वज होते हैं, हम दादा हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वो कथा सुनाएंगे भाई ऐसा होता था, कहाँ है अब? अब तो शाम को आना है, फोन पकड़ना है ना, या फिर किसी ने जो है जो भी टॉपिक चल रहा है आजकल तो डिजिटल है, सारी चीज फोन से हो रहा है, उसमें हम बोल भी नहीं सकते, फोन को दोष भी दे नहीं सकते, आपका रिचार्ज उसमें करना है ना, सारी चीजें। तो बिल्कुल सही बोल रहे माननीय आप। जी देखिए, प्राकृतिक में परिवर्तन के नियम से हमारे को प्रकृति के हिसाब से परिवर्तन भी होना पड़ेगा, कमाई भी करना पड़ेगा, हमारे अपने पीढ़ियों को आगे भी बढ़ाना है तो हमारे को मेहनत भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम, जैसे आप बोल रहे थे, मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली मैं मान रहा हूँ आपके साथ बात करते हुए, क्योंकि जब हम, जैसे आप जैसे हमारे पास उदाहरण पेश कर रहे, तो हमारे को भी एक आपसे सीख लेनी चाहिए, आगे उस परंपरा को बढ़ाते हुए सबको ज्वाइंट चलना चाहिए। जहां पर इकट्ठे और सिंगल की भावना हुई, वहां पे टूट ही हुआ आज तक। जी मतलब ऐसा था ना, व्यवसाय और सामाजिक नौकरियों से हम बाहर हो सकते हैं, लेकिन जब आप घर में आते हैं तो उस एकता को भंग ना करें, आप आपका जो जो परिवार है उसको बिखरने ना दे, टूटने ना दे दे, कोशिश तो ये रखें। क्योंकि कहते हैं ना कि आप आपने जन्म लिया है और आपको कर्म करने आना है, ऊपर वाले ने कर्म के लिए भेजा है, और वो कर्म मातृत्व के पेट से होता है, और जिस माँ के पेट से हम आए हैं तो कर्म के लिए आया है यहाँ पर, किसी प्रकार का देश भावना भावना के लिए नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी हम जो है आगे कर्म कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो चलिए एक छोटी सी रचना, उस रचना में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो रचना परिवेश को लेकर जो है चल रहा है, उसमें से हमारे अतिथि महोदय थोड़ी सी नोट करते रहेंगे, फिर उस पर जो है थोड़ी सी अपनी प्रतिक्रिया रखते रहेंगे। स्वागत महोदय, है ना, मैं आपके समक्ष एक रचना रखता हूँ। ये थोड़ी सी जो मैं आपके समक्ष जो रचना रख रहा हूँ, ये रचना एक अलग सी रचना है। नारी इतनी समर्पित होती है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, वो कभी चाहती भी नहीं है कि घर बिखरे, बच्चे टूटे या फिर बच्चों पर कुछ पहाड़ पड़े। तो सबसे पहले तो जो एक कविता है, तो शीर्षक है सर कभी भूल नहीं करूंगी। तो ये भूल नहीं करूंगी, ये जो इस शीर्षक में आपने कुछ लाइनें पकड़नी, क्या वर्तमान परिस्थितियों में चाहे माताएं हैं या फिर बेटियां हैं, तो कहीं ना कहीं इस कविता को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने ध्यान देना सर। ससुराल में रहकर मैं निरंतर ससुराल के सभी सदस्यों की सेवा करूंगी, मायके की गुणगान करने की कभी भूल नहीं करूंगी, सास की डांट को आशीर्वाद समझकर उसकी छोटी मोटी बातों को बढ़ाने की कभी भूल नहीं करूंगी, जेठ देवर की बातों को प्यार आशीर्वाद समझकर उनसे कभी ऊंची आवाज में बात करने की कभी भूल नहीं करूंगी, जेठानी देवरानी के साथ मिलकर घर बसाऊंगी लेकिन घर उजाड़ने की कभी भूल नहीं करूंगी, ननद रिश्ते पड़ोसी सबके साथ हर सुख दुख में मिलकर रहूंगी लेकिन घर की बात इधर उधर करने की कभी भूल नहीं करूंगी, घर में छोटे बड़े सबके इज्जत करूंगी लेकिन घर में किसी से उलझने की कभी भूल नहीं करूंगी, सुख दुख में पति के साथ रहकर हर गम दर्द को सहूंगी लेकिन मायके से कभी मदद लेने की कभी भूल नहीं करूंगी, सबको सबको घर में जोड़े रखने की हर कोशिश करूंगी लेकिन किसी को भी मेरी वजह से दर्द हो ऐसा कभी भूल नहीं करूंगी, हाँ ससुराल में रहकर ससुराल के सभी सदस्यों की सेवा करूंगी, मायके की गुणगान करने की कभी भूल नहीं करूंगी, सास की डांट को आशीर्वाद समझकर उसके छोटी मोटी बातों को पढ़ाने की कभी भूल नहीं करूंगी, जेठ देवर की बातों को प्यार आशीर्वाद समझकर उनसे कभी ऊंची आवाज में बात करने की कभी भूल नहीं करूंगी, जेठानी देवरानी के साथ मिलकर घर बसाऊंगी लेकिन घर उजाड़ने की कभी भूल नहीं करूंगी, ननद रिश्ते पड़ोसी सबके साथ हर सुख दुख में मिलकर रहूंगी लेकिन घर की बात इधर उधर करने की कभी भूल नहीं करूंगी, घर में छोटे बड़े सबकी इज्जत करूंगी लेकिन घर में किसी
किसी से उलझने की कभी भूल नहीं करूंगी, सुख दुख में पति के साथ रहकर हर गम दर्द को सहूंगी, लेकिन मायके की कभी मदद लेने की कभी भूल नहीं करूंगी, सबके घर को जोड़े रखने की हाँ कोशिश करूंगी, लेकिन कभी मेरी वजह से दर्द किसी को ना हो ऐसा भूल नहीं करूंगी। क्या ऐसे परिवेश में वर्तमान में जो बेटियां शादी कर रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ये सब चीजें जो है मतलब धैर्य कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि जिस वजह से आजकल आपने देख रहे होंगे कि बहुत से हद से ज्यादा कोर्ट कचहरियों में जो है केस जो है मिल रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या ये इस पर आप थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे सर? देखिए सर, बहुत बड़े बहुत सारी बातें एक ही कविता में आपने कर दी है। जी मैं इतना बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, परंतु छोटी जी छोटी जो चीज है, छोटी छोटी जो पॉइंट्स आपने इस पे दिया हुआ, वो बहुत बेहतरीन। जो अगर हम समझे कविता के भाषा में, जी कुर्बानी, हर बात पे हमारी जो कुर्बानी, एक मात्र शक्ति जब दूसरे घर में होती है, मतलब किसी की बेटी बनी, उसके बाद जब सेकंड घर पे आई, वहां पे बाऊ माँ और जननी का आपने रूप दिया। ये समर्पण क्या सिर्फ औरतें ही करेंगे? ये थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है। ये समर्पण की भावना से आए, थोड़ा सा हमारे को उनका रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना भी पड़ेगा। देखिए आज दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हमारे पास चाहे सरकारों के माध्यम से हो या फिर किसी भी सोशल एक्टिविटीज में, हमारे पास जो है कंधे से कंधा मिला के हमारी मातृशक्ति हमारे पास साथ चल रही है। जब उनसे ईर्ष्या और किसी भी प्रकार के मतभेद की भावना ना हो, तो बहुत सारी चीजें वो है कि ये हम पर ही आश्रित नहीं, जबकि हम उन सब पर आश्रित होंगे। देखिए कुछ चीजें जैसे बोलते हैं ताली, जैसे दोनों हाथों से नहीं बजाया जाता, उसके लिए दोनों क्लैप के लिए दोनों ही चीजें चाहिए, तालियां। तो हमारे को थोड़ी सी थोड़ी देर उनको भी समझना पड़ेगा और उनको भी समझना पड़ेगा, और तालमेल बनाने से ही ये घर संसार जो है आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ बहुत बढ़िया कविता में आप जब जेठ यहाँ पे आप ज्वाइंट की जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा उद्देश्य है इसमें। मैं नहीं मानता हूँ कि बदलते परिवेश के साथ जैसे हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें आज से 10 साल पहले क्या होता था, 10 से 15 साल पहले हम लोग फटाफट, हमारी जो लोग है, या हो सकता है अज्ञानता की कमी हो या फिर अट्रैक्शन की भावना से शादी शुदी कर लेते थे। बीच में जो एक स्टेज आता था जहाँ पर हो सकते हैं हम सक्षम ना हो, मतलब कोई कमाओं के क्षेत्र में नहीं है, अगर फिर घर पे आके वो नीड थी, मतलब हमारे को जरूरत है, वो सामान हम नहीं दे सकते, वहां पे क्लेश की भावना हो रही है। तो आज का जो समय है, दोनों को कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, सबसे पहले तो हमारी मातृशक्ति को हमारे को तैयार करना पड़ेगा कि वो एक ऐसा संपन्न हो जाए, जैसे ऐसा संपन्न हो जाए। जब हम दहेज की बात करते हैं ना, एक तरीके से दहेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारी मातृशक्ति को हमें सबसे पहले हमारे को ही पहल करना पड़ेगा कि हमारी जो बहन है, हमारी बेटियां हैं, उनको हम इतना स्ट्रांग कराएं कि उनको किसी प्रकार की दहेज देने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरों के घर में जब जाएगी, जब जननी का आप रूप धारण करेंगे, उसमें आपने संसार में किसी ऐसी शक्ति को जब लाना है, उसका रूप धारण करना है, तो उनको मानसिक हो गया, आप शारीरिक हो गया, या फिर आपका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। उसके लिए जब आपके बुजुर्ग वर्ग, आपके गाइडेंस, आपके पिताजी आपके लिए जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उसको भी हमारी मातृशक्ति हो, वो भी उनको समझते हुए उसको सही जगह पे करना पड़ेगा, तो इससे हमारा तालमेल बनेगा। दूसरों के घर में जाके जब आप एक उद्देश्य प्राप्त करके चलेंगे, पहले सीख अपने घर से लेनी होगी, जब दूसरों के घर में जाएंगे तो डेफिनेटली वो घर संपन्न ही होगा, कभी डाउनफॉल में नहीं आएगा, मेरा तो ये मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रही बिल्कुल बात, आपने कहा, आपने आपने कहा कि ये जो समर्पण की भावना क्या बेटियों पर ही है, और ये बिल्कुल जायज बात है। यहाँ पर हमने कहा अब इतना समर्पण कईयों में दिखता भी है, फिर भी वो जो है वहां पर संतुष्ट नहीं है, बहुत कुछ ऐसा झेलते हैं जो ये सारी चीजें हैं। ऐसी बेटियां कई जगह है, फिर भी उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो मुख्य जो कविताओं में था ना सर, ऐसे कई बेटियां हैं जो आप जो इस प्रकार के नियम में रहते हैं, इस प्रकार के जो है संयम में रहते हैं, धैर्य में रहते हैं,
फिर भी प्रताड़ित किए जाते हैं। तो ये प्रताड़ित के मुख्य कारण क्या कारण हो सकता है? क्या फिर जो उस बेटी का वहां पर मायका पक्ष कमजोर है, या फिर क्या कारण रह सकता है? कई जगह ऐसा है जो प्रताड़ित है कई गांव में। बिल्कुल हो सकते हैं, मैं भी ये नहीं कि हमारे पास नहीं है, पर ये चीजें हैं और 70% तक हमारे पास आज से 4-5 साल के गैप में बिल्कुल प्रताड़ित भी होते हैं। और कई जगह मतलब हो सकता है जो उसका पितृ मायका है, मतलब जिस महिला के पितृ मायके हैं थोड़े से वीक हो और आप एक अच्छे घर में चले जाते हैं, वहाँ का जो माहौल है हो सकता है जो आपकी बिल्कुल आपकी माँ माँ जो पहले माँ बनी फिर आपकी सास है फिर किसी की माता है, तो पहले तो हमारे को अपने घर से सीख, अपनी बेटियों को मतलब ये सीख, जैसे हम ज्वाइंट फैमिली में हैं, मानेवर ज्वाइंट फैमिली में रहते रहते हमें अपनी बेटी को शिक्षा दीक्षा के साथ साथ घर के थोड़े थोड़े संस्कार भी देने पड़ेंगे। आप अभी देख रहे हैं ये जो सेशन है, मैं कुछ समय की बात करूंगा, आज हमारे पास जो है 33% के करीब में जो है नशे से ग्रस्त है। इसमें अब देखो ग्राफ बहुत हमारी मातृशक्ति में गिरता जा रहा है। जब जब भी कभी मेरे को मौका मिला, चाहे पुलिस विभाग में कहीं बात करने का हो या समिति के माध्यम से बात करने को, मैं तो अपनी मातृशक्ति को फ्रंट लाइन पे रखने की कोशिश करता हूँ, परंतु ये जो गिरते ग्राफ का सबसे पहला परिधान ही हम है। पहले हमारे को अपने घर में मजबूती बनानी पड़ेगी, अपनी बेटी को शिक्षा दीक्षा उस स्तर पे देना पड़ेगा, माँ को जब एक माँ बनी उनको एक बहू की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, जिस तरीके से वो अपनी बेटी के साथ रहते हैं उसी तरीके से एक बहू का दर्जा दे, तो डेफिनेटली ये चीजें बिल्कुल सॉर्ट आउट होगा ये। और बेटी जो हमारी बेटियां हैं ना उनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, जब आप अपने घर में अपनी माँ को वो लेबल देते हैं तो जब आप दूसरों के घर में जाएंगे, जब एक तरीके से हम परिधान पहनते हैं तो थोड़ा सा हमारे को चेंजिंग करने की जरूरत है। जी और जी शालीनता से अगर जुड़ महोदय, के माजी सर, जैसे ये जो कविता में 90% महिला किसी घर में, मान लेते बहुत सारे घर में ऐसे है, और लेकिन उनके घर में जो है, जो बेटे तो अनियंत्रित है, बेटा केयरलेस है ना, फिर इधर तो माँ टाइट है, उधर माँ थोड़ा नॉर्मल है ना, तो वो समय से घर नहीं आना है ना, तो समय से जो है जो पार्टियों में अटेंड करना, ड्रिंक करना, तो ऐसे में जो माँ बाप जो है ना, बेटे को ताने देने के बजाय, जैसे बेटा मान लेते मैं कहीं से पी के आ रहा हूँ या जो भी है, तो बेटे को ताने बजाय तो बहू को ताने देते, तुम अपने पति को समझाओ। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने जो है बच्चों को समझाए, बहू को ताने देने का इसमें मतलब बनता है क्या? देखिए, जब हम अपने कल्चर जहाँ हम किन्नौर की बात करेंगे, जब भी शादी कर लेते हैं, हम जब शादी कर लेते हैं दूसरों की बेटी को अपने परिधान मतलब अपने घर पे ला देते, तो माँ बाप जो है जो हमारी खासकर माताएं थोड़ा सा वो रखते हैं, मनों में थोड़े से मलाल रखते हैं, आफ्टर जी ऑल वो भी तो किसी की बेटी रही है। और आए जब दूसरों के घर पे आए तो वो बहू का रूप धारण किया, जब वो अपनी मानसिकताएं चेंज करेंगे और जो छोटा सतर्क मतलब छोटा जो बेटी है मतलब जो बहू बनेगी उसको भी उस मानसिकता को अपना के दोनों अगर तालमेल बना देते तो डेफिनेटली ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। मातृ दिवस पर हमारा मकसद है कि हम चर्चा करें, हम माताओं पर जो है टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि जो बहू आती है वो पहले आपकी तरह बहू थे और उसके बाद वो भी सास बनेंगे, ये सिलसिला जारी रहता है। मेरे प्रति मेरे माँ बाप का प्यार है, तो मेरे पत्नी के प्रति माँ बाप का प्यार क्यों नहीं, ये इसी पर ही जो है एक चर्चा चली है। तो यहाँ पर रीत डिसूजा जी, बहुत बहुत आभार, आपने कहा कि बहुत अच्छी कविता है सुनाया है जी आपने। राम जी, आपको इतनी अच्छी कविता कहाँ से ध्यान में आता है? ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो प्यार रहता है उसी वजह से जो है बनता है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बने रहे और हम अच्छी अच्छी कविता लिखते रहे, और हम खुद भी कोशिश करते हैं 100% अगर हम जो है बदले नहीं तो जो है आपके साथ रहकर आपके आप लोगों के सानिध्य में 1% तो बदले। ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा वो मतलब तीर माज हुई या फिर वैसा नहीं हूँ, इंसान गलतियों का पता है, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होगी, हमारे घर में भी हमारे भी बहुत चीजें जो है
धीरे 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 समझ लगता है। एक चीज बताना चाहता हूँ सर, तकरीबन अनुभव ही जो है, अनुभव जितने अनुभव है उसी से बुक्स बने होते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें अनुभव से ही वो आगे रामायण गीता जो भी चीजें इस प्रकार से बने हैं। लेकिन जो है हमारा अनुभव है, जो जो हमने गलतियां किया है वो लोग जो है उस गलती को दोहराना दोहराए नहीं। हो सकता है हमने अपनी पत्नी को तंग किया हो, तो वो चीजें आप लोग ना करें। क्या क्या परिस्थितियां रहती है, क्या रहती है। एक जमाना था माजू सर, जब खाने के लाले मतलब पड़ते थे, बहुत सारी तंग तकलीफें होती थी, प्रॉपरली नहीं होता। वो जमाने में थोड़ा खटपट हो सकता था, लेकिन आप संपन्न होने के बावजूद, आप पूरा घर बार सब आपका है, फिर भी आप जो है नारी का सम्मान नहीं करते, बहू का सम्मान नहीं करते, तो वो उसको हम घर नहीं कह सकते। जी थोड़ी सी आप प्रतिक्रिया करेंगे, फिर आपके लिए एक रचना सुनाएंगे हम और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए पूरी लाइव स्ट्रीम्स के माध्यम से। एक छोटा सा, छोटी सी बात है मैं बिल्कुल करना चाहूँगा आपके सामने। सुना था मैंने ये जो अनुभव की आप बात कर रहे हैं ना, तो इस विषय में जब भी हमारे को पढ़ने का मौका मिला या फिर हम लोग कभी पढ़ भी रहे थे छोटी छोटी चीज़ों को, ये सुना था, थोड़ी सी बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या, बहुत बहुत पढ़े क्या लिखे को फारसी क्या। बात ये जो वर्ड है ये बिल्कुल आपके लिए फिट होता है। मैं जब भी देखिए, सबसे शुरू में जब आपने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया तो मुझे एक अतिथि के रूप में आने का उस समय मौका मिला, पर इसके अलावा चलो हमारा 6-7 महीने 8 महीने मिलने का मौका नहीं मिलता है हमारे को, या फिर हमारी रोज रोज शिष्टाचार भेंट नहीं होती है। परंतु जब कभी भी हम पेज को देखते हैं आपके द्वारा उठाए, चाहे नशा मुक्ति का शिविर हो या बेटी बचाओ वाले आंदोलन में हो, बांग उघाड़ वाले प्रोग्रामिंग में हो, तो आप जो है एक अनुभव, यही अभी एक हमारे पास मान्यवर एक अतिथि थे रीता डिसूजा सर, जी जी हाँ तो रीता इन्होंने एक लाइनिंग ये जो बहुत अच्छी कविता बोल के लिखा, तो इसी अनुभव की बात कर रहा था मैं। जो अनुभव आप में है वो पढ़े लिखों में शायद दूरदराज तक नहीं हो सकता, खास कर किन्नौर के अंदर, जो एक मेरे नजर में बहुत ऊंचे दर्जे पे है जी वो जी आपका मेरे मैं नजर ये में अनुभव सबसे। अपने माता पिताओं के डांट से, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे पिताजी बचपन में जो एक डायरी का बहुत उपयोग करते थे। मतलब उनका एक डायरी ऐसा हुआ करता था, वो जैसे दिनचर्या नहीं होता है, आज ऑफिस गया, आज मैंने ये किया और आज मैंने ये किया, इतना खर्चा किया, वो सारी चीजें मैं देखता रहता था डेली का। और कभी वो डायरी गुम होती थी तो मुझे डांट भी पड़ती थी, भाई डायरी कहाँ है। तो चाहे हिसाब किताब से लेकर कुछ भी चीज हो, वो बड़े हिसाब से संभाल के रखते। तो वही मुझे आदत पड़ता था कि भाई कुछ मैंने नई चीज देखी है तो मैं मतलब वो करूं। और ये हैरानी की बात है, एक बार ये जो प्रथा है शायद ना, एक बार मेरा बेटा दूसरी तीसरी में पढ़ता था, उसका बिहार टूर लग गया। वापसी में वो जब आया तो उसने उसने भी छोटी डायरी दिखा रही थी। मैंने बोला ये जेनेटिक गया है चीज है, तो मतलब हमने तो बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे रखना। तो उसने बिहार से लेकर यहाँ तक का पूरा डिटेल लाया था कि कहाँ कहाँ हम बैठे थे, कहाँ हमारा स्टेशन था, कहाँ ये चीज है। ये कई बार जेनेटिक चीजें भी होती है, कहते हैं ना। एक मुझे किसी ज्ञानी ने कहा था, जब भी आपके घर में बहू आती है, आपके घर में जो डिलीवरी की जो होती है, तो आपके जो आसपास जो है धार्मिक गाने बजने चाहिए, है ना। घरों में जो है धार्मिक पोस्टरें होनी चाहिए, शायद उस चीज का होगा। हमारे पिताजी बचपन से ही बहुत ही धार्मिक जी चीजों को रहते हैं, उन्होंने घर में बल्कि शिव जी के जो है मंदिर भी स्थापित किया बहुत बड़ा। तो वो असर हो सकता है धार्मिक, जितना भी हम एक एक आध्यात्मिक चीजों के प्रति रहते हैं उतना आपका माइंड कूल रहता है और आपका स्ट्रेस नहीं रहता है। हाँ थोड़ी सी ये चीज है कि हम लोग आजकल जो ज्यादा स्ट्रेस है ना, दौड़ भाग है या गुस्सेला है, चिड़चिड़ापन है या फिर रोब है, वो है हमारा जो है प्रैक्टिकली हमारे जो जो महंगाई है, बेरोजगारी है ना। तो ऐसी चीजें जो अस्पतालों से ठोकरे खा रहे, कई चीजें उससे जो है हमारे जीवन में स्ट्रेस आ रही है। बाकी ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है अगर अगर देखा जाए तो। छोटी सी आपको रचना रखते, अगर कुछ बोलना चाहते तो बोलिए सर। जी आपने अनुभव के बारे में बात की, मुझे तो जो अनुभव आप में लग रहा है शायद पढ़े लिखों में दूसरा तक नहीं है। जी बाकी जैसे जैसे रचनाएं होगी
उस तर्ज पे बात किया जाए। चलिए तो मैं एक रचना रखता हूँ। इसमें ये नारी का ही है, क्योंकि नारी के बगैर सृष्टि अधूरा है। आपने देखा होगा कई कई लोग बोलते कि रामायण में भी नारी का रोल रहा, महाभारत में भी नारी का रोल रहा, लेकिन सृष्टि बनाने में भी नारी का रोल रहा है। तो नारी का अहम रोल है और नारी हमारे घर को, जीवन को संवारती है। लेकिन कुछ लोगों ने या फिर हमको इसको समझना है, इसमें थोड़ी सी आपने पेन का ध्यान देना। कहते हैं कि नारी तारण के अधिकारी। देखिए एक लेखक ने लिखा था, उसका मैं विरोध करता हूँ। पता नहीं वो कबीर थे कि कौन थे, मुझे ध्यान नहीं है कि नारी तारण के अधिकारी शुद्ध ऐसा है। उसके बारे में ज्यादा जाऊंगा नहीं, बहुत लंबा है, उसमें हम यहाँ कहेंगे तो वो मुझे सही नहीं लगा, लेकिन यहाँ उसको मैंने जोड़ने की पहल की। कहते हैं कि नारी तारण की अधिकारी, जन्मा तुमको जिसने वो भी एक नारी। तो हम कैसे कहेंगे कि नारन तारी के अधिकारी, हमको तो उसने जन्मा है ना। तो यहाँ है, कहते हैं नारी तारण के अधिकारी, जन्मा तुमको वो भी एक नारी। गांव की पगडंडी हो या शहर का परिवेश, हर ओर नारी का शोषण है जारी, हर नारी का है शोषण जारी। गैरों की बात क्या करना दोस्तों, अपने के बीच में भी कहाँ सुरक्षित आज नारी। बेटी हो तो सिर बाप के झुक जाते हैं, और बेटा हो तो सीना बाप के फूल जाते हैं। देखिए ये परिवेश आता है, बेटा घर का चिराग, बेटी पराए घर की संयोग, बेटा बेटी के अंतर्द्वंद में अभी भी है जारी। बेटा बेटी के जो अंतर्द्वंद है वो अभी भी है जारी। पाप किसी का, दोष नारी के सर मर जाता है, इस जुल्म को देख भी चुप रहती दुनिया सारी है। आगे आने देते नहीं बार, माँ की कोख में पहले ही देते मृत्यु बेटी को। हाँ बेटा हुआ तो पुरुष का ही सारा कमाल है, और बेटी हुई तो माँ की ही जिम्मेदारी है। बेटे की चाह में यूं गिर जाते हैं लोग, और पहले के होते हुए दूसरे विवाह के करते तैयारी है। चैन से जीने नहीं देगा ये समाज, यदि घर में बेटी 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 हो कुंवारी आज। चैन से जीने नहीं देता अगर घर में बेटी बेटी हो कुंवारी आज। बेटे को दिए महल बाग बगीचे तुमने, और बेटी को मिली चूल्हा और चाकरी, आजादी के सारा सुख तो हम मर्दों के लिए। हाँ आजादी का सारा सुख तो हम मर्दों के लिए है, औरतों की दुनिया तो बस सिर्फ चार दीवारी है, औरतों की दुनिया तो बस सिर्फ चार दीवारी है। एक साथ खत्म हो जाए दुनिया की, यदि औरतें सारी तो मिट जाएगी ये जो सृष्टि सारी। हाँ कहते हैं कि अगर संसार से औरतें सारी खत्म हो जाएगी तो दुनिया जो है मिट जाएगी, तो सृष्टि सारी लुट रही है जो हर ओर लाज। ओ समाज के ठेकेदारों, बनती तुम्हारे भी जवाबदेही आज। मातृ दिवस हम मना रहे, एक पल ये सोचा कि क्या नारी सिर्फ एक दिन की अधिकारी। हाँ क्या नारी सिर्फ एक दिन की अधिकारी। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक परिवेश आता है महोदय, कि बेटी अगर पैदा हो तो जो है माँ की जो है गलतियां हैं, और बेटा अगर पैदा होता तो बाप को जो वो किया जाता है। इस पर थोड़ी सी आप प्रतिक्रिया करेंगे, इस कविता में बहुत सारी चीजें आई हैं, फिर भी जो है जहाँ बेटियां हैं बेटों का पक्ष है, और यहाँ पर भी देखो हमारे को बहुत सारी आजादी है और बेटी और बेटियों को आजादी नहीं, ऐसी कई परिवेश में है। तो स्वागत आपका प्रतिक्रिया के लिए सर। देखिए मान्यवर, सबसे पहले तो ये जो तारण की अधिकारी वाला जो शब्द इसमें आया हुआ है, इसका मैं तो पूरी तरह विरोध करता हूँ। देखिए हाँ, हम 21वीं सदी से ऊपर की सदी में अब जी रहे हैं हम लोग, हमें नहीं लगता है कि बेटी किसी तारण का रूप हो। आप खुद देख रहे हैं आज हमारे सब कंधे से कंधे मिलाकर हर वर्ग में चलना, और हर एक दिनचर्या में एक परिवार में उस परिवार को आगे बढ़ाने का सबसे अहम जिम्मेवारी बेटी का रहा है। तो इस वाले शब्द को तो मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ। जहाँ तक बात है जन्म जन्म में हम पुरुष परिधान जो समाज है हमारा, हम खुशियाँ बटोरे और बेटी के जन्म में कोसी जाए, ये इसका आज बिल्कुल खंडन करना चाहिए। हम 21वीं सदी से ऊपर वाले युग में हम लोग चल रहे हैं, हम सब जानते हैं कि बेटी की अहमियत क्या है हमारे जीवन में। एक बेटी जब पैदा होती है
ठीक है, कुछ समय पहले शायद मातम भी मनाया जाता है, कुछ रोना धोना चलता है, वो था सभी। आज जो है हमारी बेटियां चांद तक के सफर में भी अव्वल नंबर पे है बेटों से। अभी आप 10वीं के परिणाम देखिए, पूरे प्रदेश भर में अव्वल स्थान प्राप्त कर रही है हमारी बेटियां, कहीं ना कहीं है ना ये भी। तो इसी के साथ साथ जब हमारे घर में एक बेटी होती है, वही बेटी आगे बड़ी होकर किसी की बहन बनी, वो अगले घर में जाकर किसी की बहू बनी, उसके साथ साथ जब हमारे बुरे दौर हैं, सबसे पहले हमारे शैया पे रोने वाली ही वही बेटी हुई, और सबसे पहले हमारे शैया पे रोने वाली वही बेटी हुई। और इसके चलते चलते जहां तक हमारा ये मानना है, बेटी सबसे अनमोल है, बिना बेटी का कोई घर में किलकारी नहीं, कोई खुशी नहीं, बिना बेटी के आपका मातम के समय में पूर्ण नहीं, बिना बेटी के आंगन बिल्कुल सुनसान। जी बिल्कुल, आपने कहा कि बिना बेटी का आंगन सुनसान, बिना एक सेकंड प्लीज। उसका, तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि किशोर माधव जी, और हमारा चर्चा है मातृ दिवस पर। हम एक दिन के लिए माताओं को, बहनों को याद करते हैं, और हम खुशकिस्मत है कि हमारे को इस प्रकार हमारे जननी, हमारी माताओं ने जो इस संसार दिखाया, और माताओं को कोटि कोटि नमन। और आपके समक्ष जो हमारी चर्चा है, वो हमारी खट्टी मीठी यादों के साथ साथ जो है कुछ हम जो वर्तमान परिवेश की भी बात कर रहे हैं, तो जो जो दोहे थे जैसे ताड़न का अधिकार, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नारी जो है सम्मान का अधिकार है, नारी को सम्मान मिलना चाहिए, नारी को जो है आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर राजकिरण जी बोल रहे हैं, बहुत बहुत आभार सर, हैप्पी मदर्स डे, आप सभी को भी हैप्पी मदर्स डे, और सभी माताओं को, बहनों को। तो वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते हैं सर, कई जगह ऐसे आरोप लगा रहे हैं, शादियां हो रही है, और जो है पति जब बीमार होता है, बीमार जब तक तो ठीक थे, तब तक तो जोड़ियां ठीक सही सलामत है, और पति जब बीमार होते हैं, तो ऐसी अवस्था में नारियां जो अपने कर्तव्य भूल रहे, छोड़ रहे हैं, दूसरी शादियां कर रहे हैं, ये कैसा जमाना देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है वो जो है उन परिवारों के ऊपर जो है कई जगह ऐसे देखा, अभी दहेज का जो है वो लगा रहे, आरोप लगा रहे, वो जो है जो पति है मरने के कगार में, वो बीवी शादी कर रही है, तलाक देने के राजी नहीं, ऐसे परिवेश, ऐसे कई किस्से हैं सर जो हमारे किन्नौर के अंदर में जो है महिला जो है प्रताड़ित भी कर रही है, ऐसा आपने कहीं आपके जो पंचायत में ऐसे केस आए क्या, ये रियल केस होते हैं कि महिला भी प्रताड़ित कर रही है पुरुषों को, क्योंकि कहते हैं कि महिला तो कहती है कि नहीं हम तो पुरुषों को प्रताड़ित नहीं करते है, ऐसे कहीं है जहाँ महिलाओं की वजह से घर टूट रहे। स्वागत आपका। ऐसा नहीं है सर कि ये सारे इल्जाम नहीं लग रहे हो, आज से पूर्व में भी हुए हैं और बीच के सेशन जब दोनों संपन्न है उसमें भी हो रहे हैं। अभी थोड़े थोड़े केस, मैं अपनी पंचायत की बात एक आध चलो उसको थोड़ा सा डैम भी रखें, तो सार्वजनिक करना भी कुछ उचित बात ही नहीं है। जी जी अभी जी मेरे सार्वजनिक पास नहीं है सर, हम अभी केस को जान रहे हैं, क्या किन्नौर के अंदर में ऐसी चीजें मिल रहा है। बिल्कुल मान्यवाद बिल्कुल है, तो मैं उसको बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ, जब हम परिवार में होते हैं, जब हम छोटे बड़े का सम्मान करके अपनी बेटी को दक्ष बनाते हैं ना, तो वही जो रूल है वो दूसरों के घर में जाके भी फॉलो करेगी, और इसमें ना टूटने की भावना होगी, ना ही फिर किसी प्रकार से किसी को त्रुटि पहुंचाकर बिखेरने की भावना होगी। सबसे पहले हमारे अपनी बेटी को हमें संपन्न बनाना होगा, उसको एक अच्छे शिक्षा दीक्षा देकर, नशे से दूर रखकर, क्योंकि बेटियां अब कुछ समय हम देख रहे हैं कि बेटियां भी काफी संलिप्त हो रही है हमारे नशे में, तो उनको इन तीन चार चीजों से बचाते हैं और उसको एक दहेज रूप में हम संपन्न बनाकर, मैं नहीं चाहता हूं कि, मैं नहीं बोलता हूं कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो है हम हर बेटी को सरकारी नौकरी मिले, आज बहुत सारे ऐसे आयाम है जो बेटियां हासिल कर रही है,
हमारे को बिल्कुल दक्ष बनाकर अपनी बेटी को दूसरों के घर में जब देना होगा या दूसरों का घर उसको अपनाना होगा, तो उसको ये फीलिंग्स होनी चाहिए कि ये भी मेरा घर है। ये जो माँ बाप है, जो उसके सास ससुर होंगे, वो भी इस प्रकार की भांति अगर हर वर्ग में आएगा, तो ये कुछ चीजें जो आप बोल रहे हैं, लांछन प्रत्यलांछन, ये दहेज वहेज वगैरह, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब हमारा समन्वय बन जाता है तो ये सारी चीजें डेफिनेटली खत्म होगा हमारे में। जी, मेरा तो ऐसा मानना है। महोदय, आपने यहाँ पर जो नशे की बात करी, बेटियों को नशे की बात की, या फिर बेटियां नशे में सामने थोड़ी है, और तकरीबन मैं डीजे टेंट के साथ रहता हूँ, ऐसी चीजें वाकई आए हुए। और मैं एक इसमें एक सुझाव हमारे किन्नौर की जनता से देना चाहता हूँ, और मैं कोशिश सबसे अपील करता हूँ कि शादियों में कोशिश तो ये करें बेटियों को कम से कम जो है आप बारात के साथ भेजें। उसके मुख्य कई कारण ये है कि आजकल जो है डांस पूरा रात भर चल रहा है मोदी जी, रात भर पूरा डांस चलता रहता है, रात भर ड्रिंक्स चलते रहते हैं, तो इस बीच में इस प्रकार का जो है ड्रिंकिंग आयोजन हो रहा है। क्योंकि या तो अगर हमारे किन्नौर में एक नियम बन जाए, बारात आने के बाद खाना खाने के बाद दारू बंद हो, तब तो ये चीजें ठीक है, लेकिन पूरी पूरी रातों रात तक, सुबह तक जो है केतलियां जो है वहाँ डांसिंग जो है एरिया में घूमता रहेगा, तो कहीं ना कहीं बेटे तो खैर पी रहे, बेटियां भी पी रहे। तो चलिए एक छोटी सी रचना माफी उसके चाहूंगा बाद। इसमें बीच में, माफी चाहूंगा एक बार आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपका आपका सुझाव बहुत बेहतरीन है, परंतु ये बहुत बड़े स्तर की बात होगी। देखो, हम अपने घर हो गया, समाज हो गया, या भाई बंधु में हो गया, चाचा मौसरे जो भी होगा, उनकी शादियों में बहन बेटी हो गया, बहू हो गया, माताओं को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। फिर वही बात, हम अपने घर से थोड़ा सा सीख लें, तो ये जो अभी एक विषय आया था आपने, जैसे वो शराब की बारे में बात कर रहे थे आप, मैं मुझे जब जब भी मौका मिला, आखिर हम इसके जड़ तक क्यों नहीं जाते हमेशा, जब भी मुझे समिति में के मीटिंग में हो या फिर किसी भी पुलिस प्रशासन की कोई मीटिंग में हो, मैं बार बार बात रखता हूँ, आखिर हम इसके एक्चुअली जो प्राइम जड़ है ना, इस पे नहीं जा रहे हम। आप देख रहे हैं इसको, हम बांग उखाड़ो अभियान करते हैं स्कूलों में, ये नाटक मंडलियों के द्वारा ये दर्शाया जाता है कि नशा छोड़ो, ये क्या इन चीजों से पॉसिबल होगा? थोड़ी सोचने की बात है। मैं जब भी थोड़ा सोच रखता हूँ या जब एक कभी विषय आता है, तो जरूर मैं अपनी बात जरूर रखने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए मान्यवर, सुमरा से लेकर हमारे पास चौरा तक का एरिया है, किन्नौर की बात करेंगे, आखिरकार हिमाचल में बैंड, आप सोशल मीडिया की सबसे, मतलब हमारे किन्नौर में अभी तक सबसे उत्तम श्रेणी में, और भी जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स लाइव स्ट्रीम्स वगैरह चलाते, मेरा उन सभी मित्रों से भी आग्रह रहेगा इस पेज के माध्यम से, आखिर हिमाचल में बैंड के बावजूद, पूरे हिमाचल में बैंड होने के बावजूद भी, आखिर ये गुटखा पंछी छाप और ऐसे मादक तत्व सारे आम होटलों में, आपके जो पब्लिक प्लेस में, सुमरा से चौरा तक आखिरकार एंटर कैसा हो रहा है? हम इसके जड़ पे नहीं जा रहे, हम भांग उखाड़ों का अभियान करते हैं, समोसे और चाय पी लेते हैं और पूरा दिनचर्या खत्म, बच्चों को बस समोसे चाय पिलाना। मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ, इस पर एक टिप्पणी करता हूँ, आज ही हमारी चर्चा चली थी, गुजरात में ठेका बंद है सर, गुजरात में ठेका बंद है, लेकिन ब्लैक ब्लैक में वहाँ जो है रातों रात करोड़ों का ठेका बिकता है। और ऐसे ही जो है सब जगह, कारण क्या है इसमें, आगे पकड़ है सर, आगे सभी जगह जो है सबका जो शेयर चल रहा है, तो इसलिए ये चीजें बहुत मुश्किल है, टफ है। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपने एक इसमें एक बात कही थी कि परिवार के बीच में हमको जाना पड़ता है शादी में, वो जायज है, मैंने एक सिर्फ यहाँ कहा, खाना खाने के बाद जो है जो एक सांस्कृतिक का पांडाल होता है, वहां पर दारू नहीं होनी चाहिए, वहाँ केतलियां नहीं चलनी चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ, जो जो वहां पर हमारा डांस होता है ट्रेडिशनल, वो एक कल्चर है, सुबह तक चलता है, अगर वो चीजें रहेगा तो काफी चीजें कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ एक प्रतिक्रिया आई है राज जी का, सर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बेटी स्कूल जाती है तो उसके उसके
प्रेजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार की, लेकिन 10th और प्लस टू के बाद साथ रहने चाहिए, मतलब उनको ये बात है कि प्लस टू तक साथ रहना चाहिए, अकेले ना छोड़े। आजकल सिटी में रूम रहकर जो है बेटियां बच्चे अकेले अकेले रह रहे और बिगड़ रहे हैं, मेरा मानना है ऐसा। क्या ये भी सत्य है? बिल्कुल सत्य है, और इस बिल्कुल पर आप प्रकाश डालेंगे सर? बिल्कुल राजकिरण जी, आपने बहुत उत्तम और बढ़िया श्रेणी का क्वेश्चन हमारे बीच में रखा है। मैं आपके तर्क और क्वेश्चन से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, जब मैं किन्नौर की बात करूंगा, जब हमारी बहू बेटियां जो भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, युद्ध स्तर में उनकी पढ़ाई का स्तर है, बढ़ा हुआ है, परंतु इस बीच में एक फैशन आ गया, ट्रेंड। देखिए, जो हमारे पास बाहरी समुदाय के लोग हैं, आपके बेटी हो गया, बहू हो गया, या आपकी बहन हो गया, हमारे पास शिमला सोलन के अंदर में पढ़ रही है, वहाँ पे काफी बाहरी राज्यों से, जैसे खासकर जो हमारे नेपाली मूल के, आप देख लेना उनके परिधानों में भी और उनके उठान बैठान, जो भी उठना बैठना है, वो थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, जो हमारे कल्चर के साथ भी मैच नहीं करते हैं, और आगे का जो शिक्षा दीक्षा उसमें भी फर्क पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जब हमारे पास फैशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जब फैशन बढ़ता है या चाह बढ़ेगी, तो नशा भी होगा और खराब होने की स्थिति भी उत्पन्न होगी। इस स्थिति में जो राजकिरण जी ने बहुत अच्छा और उत्तम बात कहा है कि जी हमारे को अपने पेरेंट्स को बिल्कुल, ये जो प्लस वन और प्लस टू का जो सेशन है, उसमें अपने परिवार को जरूर रहना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यही जो 2 वर्ष है बहुत ही अनमोल है, इस वर्षों से निकलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे इन जी सारी जी चीजों से। मैट्रिक और प्लस टू के बीच का ही लगभग है, उसके बाद तो बच्चे अपने आप सेटल हो जाते हैं। और मैं एक और अनुभव बताना चाहता हूँ, और वो किन्नौर के लोग अगर समझ जाएंगे तो शायद काफी कंट्रोल नशे में हो सकता है। क्या कोरोना से पहले आपने देखा सर, कोरोना से मास्क, तो मास्क कोरोना के बाद ज्यादा चले, लेकिन आपने देखा कोरोना से पहले भी मास्क जो है पहनते थे, आपने कभी अनुभव किया सर? जी, सोलन शिमला के अंदर में काफी जगह, जैसे नहीं वो नहीं ब्लैक बोला, मार्क्स, शादियों में, मैं बताता हूँ, शादियों में बहुत सारे युवा लोग जो है, कोरोना नहीं था उससे पहले भी, मैं तो डीजे टेंट वाला हूँ, वो मास्क पहनते थे युवा युवतियां। कारण क्या था कि ड्रिंक करके उसके बाद स्मेल नहीं जाती थी, वो उनको सोच। अब तो जो है बहाना भी है भाई, अब तो कोई भी मास्क लगा सकता है, क्योंकि भाई पहले ही जो मास्क लगाने का जो आदेश मिल चुका है भीड़ चीज में, या कुछ भी बोल सकता है, मुझे जो है जुकाम है या मुझे कुछ भी है। लेकिन सबसे पहला जो निशान है, युवा अगर ज्यादा जो है मास्क का उपयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नशे में सम्मिलित है। तो परिवार लोग समझ जाए, आपका बेटा मास्क क्यों पहन रहा है, इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, क्या तकलीफ है, वाकई में उसको जो है कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो डॉक्टर इलाज ये, हो सकता है नाक की प्रॉब्लम हो या फिर गले की प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर रोज मास्क का यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आपको धोखे में रख रहा है। तो चलिए एक छोटी सी रचना रखते सर आपको, और इसके बाद हम अलविदा करेंगे। ये लास्ट रचना इसलिए है, इसको गंभीर से लेने का है। मैंने भी कहा, पहले भी कहा था कि हमारा जो मातृ दिवस पर किसी भी माता बहनों को ठेस नहीं पहुंचाने का है, और हम यहाँ पर एक अनुभव साझा करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे किन्नौर के जो घर खुशहाल रहे, हमारा घर खुशहाल रहेगा तो समाज खुशहाल बनता है, गांव खुशहाल बनता है, और देश खुशहाल बनता है। तो चलिए छोटी सी रचना है, माँ पहले बहू थी फिर सास बनी, ये अंतिम है, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। माँ समेटती गई प्यार को दुलार को, पेट से लेकर परवरिश तक माँ समेटती गई दुख दर्द को, मायका ससुराल समाज के तानों को माँ समेटती गई, बच्चों के परवरिश के लिए संघर्ष को माँ समेटती गई, हर जख्म हर दर्द को माँ, माँ तो हर कोई बन रहा, हाँ यहाँ अब लास्ट में, माँ तो हर कोई बन रहा माँ तो हर कोई बन रहा, और बेटियों को दुलार लाड़ प्यार कर रहा, सास जो कर रहे, सास पहले बहू थी, हाँ सास पहले बहू थी, आखिर कब अपनी बहू को प्यार देगी दुलार देगी, माँ का कर्तव्य सास बनकर कहीं खत्म तो नहीं हो रहा, यही कहीं बहू का कर्तव्य, हाँ यहाँ बहू का भी, कहीं बहू का कर्तव्य माँ बनकर खत्म तो नहीं हो रहा, बहू भी माँ बनी और सास भी माँ,
फिर आखिर सास बहू का ममता कहाँ खत्म, मातृ दिवस पर सभी बहन बेटियों को नमन, कर्तव्य से हटे माँ की छवि सब में दिखे। दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि किन्नौर के अंदर मैं एक चीज बताता हूँ कि कवि सम्मेलन तो होता नहीं है, कवि सम्मेलन होता हो भाषा विभाग बिठाए है, कवियों को कभी बुलाते नहीं है, मंच देते नहीं है, लवियों में सिंगरों को बुलाएंगे, है ना, तो कहाँ हमारे को याद रहेगा सर। नीचे शहरों में तो देखिए भाई मंच में बुलाते हैं, उनको नवाजा जाता है, उनको प्रोत्साहन किया जाता है, उनको प्राइज दिया जाता है। किन्नौर में किसी प्रकार का कवियों को वो नहीं है। लेकिन आपको दोबारा उसको दोबारा सुनाता हूँ। माँ समेटती गई प्यार को, दुलार को, पेट पेट से लेकर परवरिश तक, माँ समेटती गई दुख दर्द को, मायका ससुराल समाज के तानों को माँ समेटती गई, बच्चों के परवरिश के लिए संघर्ष को माँ समेटती गई, हर जख्म हर दर्द को माँ तो हर कोई बन रहा, और बेटियों को दुलार लाड़ प्यार कर रहा कर रहे, और सास जो पहले बहू थी आखिर कब अपनी बहू को प्यार देगी दुलार देगी, माँ का कर्तव्य सास बनकर कहीं खत्म तो नहीं हो रहा, वहीं बहू का कर्तव्य माँ बनकर खत्म तो नहीं हो रहा, बहू भी माँ बनी सास भी माँ, फिर आखिर सास बहू का ममता का खत्म हो रहा। तो देखिए सर, दोनों का एक परिवेश एक ही जीवन में चल रहा है, लेकिन दोनों का प्यार मतलब प्रैक्टिकली तरीके से क्यों नहीं बन पा रहा, थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे सर। देखिए जी, बात फिर वहीं पे आके रुकती है। माँ दादी, फिर उसके बाद हमारी माँ, फिर हमारी बेटियां, फिर आगे के जितने भी जनरेशन आते रहे, उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? हमेशा यही देख रहे हैं कि जब दादी थी उनकी सास थोड़ा बहुत ताने तंज कसती, वो मन में बैठ जाता है, आगे चलती है वही तंज हमारी माओं को झेलना पड़ा, फिर उसके बाद और परिवार में रोटेशन वाइज जो जो तंज। फिर मैं एक बार इस विषय में बात करना चाहूंगा, हम चाहे ज्वाइंट फैमिली में रहे, चाहे निम्न वर्ग में भी, या फिर सीमित परिवार में रहे, अगर हमारे पास बेटी है, वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, पर हमें ये थोड़ा सोच जरूर रखना पड़ेगा। हमें जनरेशन, जैसे आगे जनरेशन जब चल रहा है हमारा आधुनिकीकरण के साथ साथ, जब हम ये दो तीन चीजें ठानेंगे, कल आपने जननी का दूसरों के घर में जाके जननी का रूप धारण करना है, या वंश को आगे बढ़ाना है, इसी तर्ज को देखते देखते जब हम अपनी बेटी को सबसे पहले शिक्षा देंगे ना जी, यही शिक्षा दूसरों के घर में जाके वो अपने सास के साथ बहुत अच्छे से, वो रिस्पेक्ट अपनी सास को देगी, क्योंकि मानसिकता बन चुकी होगी कि दादी ने झेला, माँ ने झेला, अब हमारी बेटी की बारी है। हम न्यू जनरेशन के सोच वाले हैं, अगर हम परिवर्तन ला सके तो इस चीजों में लाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस घर की परंपरा है वो किस तरीके से चाह रहे हैं। एक स्टेटस, एक स्टेज आता है, एक पत्नी से हमें क्या अपेक्षा रहता है, एक पत्नी से वो अच्छी खूबसूरत रहे, आपके मॉम डैड का रिस्पेक्ट करे, आपके परिवार को सजोए, आपका जो कुटुंब है उसमें अच्छे से बन पाए, उसके लिए पहले हमें सुधार करना पड़ेगा। इसी तरीके से बेटी को उस तरीके से दक्ष बनाना होगा, आपको नौकरियों के अलावा और चीजों में दक्ष के साथ साथ आपको संस्कार देने बहुत जरूरी है। अगर आपकी बेटी संस्कार दे के दूसरों के घर में पहुंचती है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बोधरेशन जो गैप है हमारे बीच में, जो नए सदी में जरूर सुधार होगा। और ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने पेश है, ये अभी मैं पर्टिकुलरली एक एक करके नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु धीरे धीरे हमारे समाज में सुधार आ रहा है। एक माँ को पहले पहले संबोधन किया जाता था जब बहू दूसरे के घर में जाती थी, बहू अपने उनको बोलती थी माँ को सास, अब माँ का दर्जा दे रहे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। और हमारे को जो नए जनरेशन के लोग हैं, सबसे पहले हमारे को सुधार करना पड़ेगा, अपनी बेटी के साथ अपनी बहनों को ये संस्कार देना पड़ेगा कि दूसरों के घर में जब आप जाओगे तो आप जो है हमारे मान सम्मान के साथ पूरे कुटुंब का बात रखें, आप पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जी। बहुत खूब, और अहम बात है माताओं के लिए। एक टाइम था माताएं हमारे चुल्ली बेमी कंडे से लाते थे, गाय बकरी भेड़ बकरी सब कुछ देखते थे, बहुत कठिन मार्ग से गिरे उनके लिए नमन। लेकिन वर्तमान परिवेश में आपकी बहुएं
सुबह उठती है 4 बजे से, बच्चों को नर्सरी से स्कूल ले जाती है, आपको स्कूल पहुंचाना है, शाम को स्कूल से लाना है, फिर वर्दी धोना है, फिर झाड़ू पोछा मारना है, फिर उनका होमवर्क करना है। ये भी उनका संघर्ष टाइम है, आपका भी संघर्ष टाइम है, लेकिन संघर्ष दोनों साइड आपको समझना होगा। वो चुल्ली बेमी वाला जमाना हम ऐसा नहीं है, जमाना तो है, लेकिन अब जो है आपका छोटा बच्चा 2-3 साल का होते ही जो हमारे जो बहू हैं बहुत कठिन चीजों से गुजर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल से, क्योंकि सारी घर की जिम्मेदारी उन उन पर ही है, और पुरुष समाज है, बाहर है, खाना पी रहा, एंजॉयमेंट कर रहा है, वो आता में जाएगा चाहे वो ठेके में जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रताड़ित है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा सर, आपने समय निकाला, और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और समस्त मातृशक्ति हो गया, हमारी भगनियाँ हो गया, हमारी बेटियों को आज के इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार मौका दिया आपने एक अतिथि मिलते के रूप रहेंगे में। सर, बहुत सारी। जी कुछ जी त्रुटियां रह गई होगी कुछ भाषा में, या फिर ऊंचा नीचा रह गया, तो मैं माफी चाहूंगा समस्त नारी शक्तियों से। और इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। तो मातृ दिवस पर स्पेशल एपिसोड, तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक टाइम था जो संघर्ष में हमारे दादा दादी ने झेला है, हमारे माताओं ने झेला, एक संघर्ष आज है जो अपने वंश के लिए जो है 4 बजे उठकर अपने बच्चों को स्कूल ले जाना, स्कूल से फिर वापस लाना, उनके वर्दियों को समेटना, उनको होमवर्क करवाना, फिर घर के घर वालों को खाना बनाना, ऐसे काम में पूरा दिन नारी का निकल जाता है। तो हमको वर्तमान परिवेश में ढलना पड़ेगा और बहु बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा। तो मातृ दिवस पर आप सभी के लिए बहुत बहुत जो है आभार, आप जुड़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, और मिलते हैं फिर कभी अगले एपिसोड में नई चीजों को लेकर आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए अलविदा कीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।